यार हमारे तमाम अनमोल दर्शकों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। दर्शकों, लगातार झाझा की धरती में होली मिलन समारोह का आयोजन हो रहा है और आज अम्बेडकर विचार मंच के अध्यक्ष अरविंद पासवान ने तमाम दलों के लोगों को दिल से दिल मिलाने का एक अवसर दिया। तमाम वक्ताओं ने कहा कि होली में सिर्फ गला नहीं, दिल से दिल मिलना चाहिए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। झाझा में होली मिलन समारोह हो रहा, आज सर अम्बेडकर विचार मंच के अध्यक्ष अरविंद पासवान कर रहे हैं, क्या मकसद क्या है, लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं सर? होली मिलन दो दिलों का मिलन है। जात जमात पार्टी पुरुष महिला से ऊपर उठ के जो कि इंसान है, एक इंसान की जो जवाबदेही है समाज के प्रति, मानव के प्रति, संविधान के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उसको ईमानदारी से आज हमारे जो अग्रज हैं उनके सामने एक संकल्प लिया जा रहा है कि आज के बाद हम लोग आपस में एक भाईचारा का माहौल रखेंगे और ये होली मिलन एक प्रतीक है, इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और अम्बेडकर विचार मंच एक माध्यम बनेगा। मिलन समारोह हम लोग पुराने कुर्तियों को मिटा के हम लोग आपस में भाईचारा का संदेश दें, यही हम लोग कामना करते हैं और अपने घर परिवार बढ़िया ढंग से होली का क्या शुभकामना दे रहे हैं तमाम लोग यहाँ सारे भेदभाव भूल कर अम्बेडकर विचार मंच के बैनर के तहत होली मिलन समारोह कर रहे हैं। आज जो ध्वजा अम्बेडकर विचार मंच के द्वारा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में हम लोग जो होली मिलन समारोह मना रहे हैं, ये होली मिलन समारोह तमाम जाति धर्म को एक करने का माध्यम है। तमाम धर्म और जाति से ऊपर उठ के गिले शिकवे मिलाने का एक माध्यम है और तमाम झाझा वासियों को, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, ऊंच नीच का भाव मिला के प्रेम भाईचारे का भाव मिटाते हुए होली की शुभकामना देता हूँ। अरविंद पासवान ने पहल की तमाम जात पात भेदभाव भुलाकर आज जो आज एक माहौल आज क्रिएट किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छी पहल है और इसके लिए हम इन्हें धन्यवाद देना चाहेंगे। साथ ही आने वाले 18 तारीख को जो हम होली मनाने जा रहे हैं, हमारा पर्व है, इसमें हम सभी लोग मिलजुल कर एक अच्छे ढंग में, एक अच्छे माहौल में, अनुशासनता को पालन करते हुए हम सभी एक होकर ये होली को मनाएं और एक संदेश लोगों में जाए कि झाझा के लोग सभी अच्छे से होली मनाते हैं, अच्छे से रहते हैं। और मैं इस अवसर पर सबों को शुभकामना देता हूं। इस तरह आपने कहा भारत, खास करके झाझा की धरती, कोई भेदभाव नहीं करती हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सारे लोग एक साथ बैठकर अपना प्यार बांटते हैं, क्या कहेंगे? हम लोग यही कहेंगे कि यहाँ झाझा में सब लोग एक तरह से होली मिलन करते हैं और ना कोई मुस्लिम हो या हिंदू हो, कोई तरह का कोई ये नहीं है। हम लोग आराम से करते हैं, लेकिन जो गला मिलते हैं तो ऐसा मिले कि दिल भी मिल जाए। झाझा की ओर से अरविंद जी की जो पहल थी बहुत सराहनीय है और अपने समाज को एकजुट करने के लिए जो यहाँ उपस्थित लोग हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि सबको आपस से मिल करके होली आप लोग अच्छे से आगे आगामी 18 तारीख को मनाएं। उसके बाद अम्बेडकर जी का जो अध्यक्ष महोदय का कार्यक्रम है अगले माह 14 अप्रैल को, उसमें हम लोग सबको बढ़ चढ़ कर करके और जम्मू डिस्ट्रिक्ट के झाझा में एक मिसाल कायम करें ताकि लोग कहें कि अम्बेडकर विचार मंच के द्वारा जो कार्यक्रम हुआ है बहुत अच्छा और सराहनीय है। आज अम्बेडकर विचार मंच अतिथि को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा प्यार। साथियों, अगर कोई पूछे कि कौन थे अम्बेडकर, तो उसे कहना कि जिसने 5000 साल का इतिहास 40 साल में बदल डाला, उस महायोद्धा का नाम था अम्बेडकर। नसीम अहमद है दर्शकों। देखिए झाझा की धरती के बारे में मैंने लगातार कहा है कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं, कुछ लोग हर समाज में होते हैं, उस पर परवाह नहीं करना, यहाँ गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रही है, बहुत बड़ी बात है। झाझा की धरती वैसे भी बहुत ही खूबसूरत रही है इस मामले में।
सूर्यपुर जो गांधी के नाम से फेमस है वो भी आज लोगों को गरम गुलाल लगा रहे हैं। मंच के अध्यक्ष जुड़े अरविंद पासवान, क्या क्या हो रहा है आज अरविंद जी? आज तो होली मिलन समारोह के अवसर पर हम लोग सारे लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। होली एक पावन पर्व है जिसमें कोई भी जात धर्म मजहब कुछ भी ऐसा इसमें मकसद नहीं रहता है। इसमें मतलब यही रहता है कि सब लोग मिलजुल कर हम लोग भारतवासी हैं और सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है जो कि सभी लोग के सहयोग से हो रहा है। अब हम लोग यहाँ बैठते हैं थोड़ा रंग वाले से रंग करवाओ तो वो मांगे पैसे, मुफ्त में हमने रंग डाले हैं। देखो कल भी आपने हमारी खबर देखी होगी, मैंने कहा था होली का मतलब ही होता है किसी का होलो, सारे गम सारे शिकवे भूलकर एक दूसरे को गले लगाना ही शायद होली कहते हैं। तमाम लोग क्या अधिकारी क्या